हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए, ये डुग्गू राजा को देखिए, छोटे दूल्हे राजा को रेडी हो रहे हैं जाने के लिए चौठाड़ी में। यहाँ सारे लोग रेडी हो रहे हैं चौठाड़ी में जाने के लिए। ये डुग्गू की मम्मी, ओए डुग्गू की मम्मी, हाय, गुड मॉर्निंग कौन बोलेगा? गुड मॉर्निंग, हम लोग जा रहे हैं चौठाड़ी में, गांव हम रेडी हो चुके हैं, अब थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। गांव में गवार जा रही है, गांव के गवार थी ना, और वहाँ एक सिस्टर है जो चुनरी जा रही है, और एक हजामी हमारे यहाँ आई है पैर रंगने वाली, हमारी लेकिन हमसे चिढ़ा रहे हजामी। माता जी, माता जी तनी हेलो बोल दीजिए आप। हेलो हेलो, वहाँ देखिए दुल्हन को, दुल्हन बोल दी क्या एक अनिया तनी है ने देखी का थी चूड़ा। हाँ तो जा तनी सन हमनी के, हम नहीं खिजत, बाकी सब लोग जाता चौठाड़ी में, तो सोचने के लोग से भोजपुरी में बतिया ली ही पावन है। हाय देखो तनी हिंकरा के है तैयार, बाबा के टोपी पहना दिया, तो कैसा मानि रहल लोगिन बताएं लोगिन, जरूर कमेंट करके कैसा लागल हमर वीडियो, अगर चैनल पे नया होखन लोगिन तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेम, लाइक कमेंट शेयर जरूर करम लोगिन। अब बकु आई ले हम चल दिए हैं गांव के तरफ, सब हमारे गांव जा रहा है लोग चौठाड़ी करने के लिए, क्योंकि वहां का एक नियम है कि शादी कहीं भी कर ले कहीं भी रहे, लेकिन जो चौठाड़ी होता है वो यहाँ पे आना ही है चौठाड़ी करने के लिए, और दुल्हन को भी जाना पड़ता है, हमारे यहाँ का ऐसा रिवाज है। तो सभी लोग जा रहे हैं पूजा करने, और सभी के साथ मतलब अभी मैं ये वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, काफ़ी टाइम तो हो गए ये सब वीडियो का, लेकिन समय मेरा मन नहीं सही रह रहा तो मैं नहीं कर पा रही थी, तो आज ये 3 दिनों से मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ, और थोड़ा सा करती हूँ फिर स्टॉप कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लोग गांव पहुँच गए हैं घर पे, तो अभी पहले घर पे जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं पहले उनको पूजा होगा, उनको पूजने के बाद ही ये लोग बाहर के मंदिर में जाएंगे पूजा करने। तो यहाँ पे आप लोगों को देसी भाषा भी मिलेगी सुनने को, और मैं सोच रही थी ना कि जहाँ पे गाने हैं या फिर कुछ भी हो वॉइस जो भी हो मैं वहाँ से म्यूट नहीं करूँ, और आप सब देसी आवाज़ सुने, और गांव में जैसे कि गांव में हो रहा है पूजा तो गांव की भाषा, गांव में किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से गीत गाते हैं, वो सब आप लोग भी सुनें और देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक कमेंट शेयर, क्योंकि लाइक कमेंट शेयर करने में आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा ही कंजूसी कर दे रहे हैं। जो सब्सक्राइबर है ना, जो पहले से भी सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लोग भी आजकल वीडियो को देखते हैं, फिर भी ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं, ना ही शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब ना इतना कर लिया कीजिए, किसी के भी वीडियो पे जाए तो प्लीज़ आप लोग ये 2-3 काम कर ले। और अगर वीडियो पसंद आए ना तो, और जो नए होंगे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे वो, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पर हो रहा है पूजा, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग ये पूजा हो रहा है, हमारे घर के बजरंग बली जी ने बोला जाता है, तो ऐसे धाजा लगाया जाता है, यहाँ पे हो रहा है पूजा, और यहाँ मेरी चाची जो है वो साफ कर रही हैं, और दुल्हन आप लोग को दिख रही हैं कि यहाँ पे बैठी हैं, और साथ में हमारी माँ है, सिस्टर लोग हैं, बुआ लोग गया था, लोग सभी लोग गए थे वहाँ, सब लोग गया था, बट एक मैं ही जो है, मैं ही हूँ जो मैं नहीं गई थी, वो भी क्यों नहीं गई थी आप सबको पता ही है कि मेरी हालत नहीं अच्छी है कि मैं जा सकूँ, तो मैं नहीं गई थी, लेकिन मैं सबको बोली थी कि अगर आप लोग जा रहे हो तो प्लीज़ हमारे लिए आप लोग वीडियो बना के लाना, और मेरी एक सिस्टर की बेटी है मैं उसे स्पेशल इसी काम के लिए भेजी थी उन लोगों के साथ, क्योंकि बच्चे में कोई नहीं गया था, बच्चे में एक उसे ही मैं भेजी थी इसलिए, ताकि कोई रहे जो ब्लॉग बना के ला दे मेरे लिए। जीती
हाँ कर दो, बाय बाय कर दो, बाय 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 कर दो। देखो नहीं है गाड़ी चलावा था, छोड़ छोड़ पिताजी बतू। शादी में तो मस्ती हम लोग बहुत ही ज़्यादा की हैं, और यहाँ देख सकते हैं आप लोग दुल्हा दुल्हन बाकी सब लोग भी हैं। और यहाँ सवलिया को देखिए, सवलिया का बेचारा का तबीयत ख़राब हो गया है और वो मुँह सुखा के बैठ गया है, उसको शायद गाड़ी लग रही है तो उसको उल्टी उल्टी जैसा मन हो गया है इसलिए वो ऐसे बैठा है। और पता है चौठाड़ी में जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि सवलिया जाए और ऐसे सवलिया बन के ही जाए, लेकिन उसको शौक़ था कि मैं जाऊँ और सवलिया बन के जाऊँ, तो बस वो भी दूल्हे का ड्रेस में है, सब चीज़ अपना पहन लिया है। और एक नहीं, एक मेरी दीदी के लड़का और एक मेरे चाचा के लड़का, ये दोनों बारात भी गए थे ना, तो दोनों दूल्हा के जैसा ही कपड़ा खरीदवाए थे, टोपी माला सब पहन के साथ में गए थे दोनों सवलिया बन के। और आज चौठाड़ी में भी दोनों जा रहे हैं उसी तरह। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को इंजॉय कीजिएगा, और बस वीडियो पसंद है तो अपना सपोर्ट साथ बनाए रखिएगा। होता है बोल भी रहे हो तो सांस फूलने लग रहा है। चप्पल खुल गई। जय का झूमर खेले आईनी बर हम रौरी, नंबर याद बा ना फोटो बने नु ¿Qué pasa?
यहाँ पे देखिए आप लोग बाबू को क्या कर रहा है, उसको लग रहा है कि ऐसे क्यों बैठी है दुल्हन बन के, फिर ऐसे घूंघट करके, तो वो बार बार घूंघट उठा के देखना चाह रहा था कि कौन है कौन है। बार बार देखिए आप कैसे वो देख रहा है एकदम बहुत ज़्यादा। देखिए उसको, देखिए बच्चा है, उसको क्या समझ में आ रहा है कैसा क्यों हो रहा है। तो बस वो बहुत मस्ती कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब जिस जगह पे गया है लोग पूजा करने उस साइड बहुत सारा बकरी के बच्चा था, और तो बस वो खेल रहा है पूरा एकदम। और मेरी बेटी भी गई थी, बट उसको मम्मी नहीं है तो उसका मन नहीं लग रहा था, तो वो दादी के साथ चुपचाप बैठी हुई है, ज़्यादा मस्ती नहीं कर रही। वही मैं अगर होती ना तो वो भी बहुत परेशान करती, लेकिन मैं नहीं हूँ साथ में, तो इसलिए बहुत शांत शांत वो है। सभी लोग बोल रहे थे कि तुम नहीं थी तो उसका भी मन नहीं लग रहा था। बच्चे हैं अपने माँ के बिना तो उन लोगों का उदास वही जाता है चेहरा। तो यहाँ पे देखिए इसको बहुत परेशान कर रहा है। तो हर जगह का चौठारी जो हर जगह का माता रानी जो होती है वहाँ पूजा ही हो गया है, और फाइनली यहाँ पे आए हैं जहाँ का वो हमारे गांव का एक श्रापित है, मतलब एक सती माता का एक मंदिर है, तो उनका यही वो श्राप था कि यहाँ पे जो भी शादी हो जिसका भी शादी हो उसे आना ही है यहाँ पे चौठारी के नाम पे चौठारी करने पूजने के लिए। तो वहीं पे गया है लोग पूजने के लिए, तो सब हो गया पूजा पाठ। तो अभी वो सिंदूर बिंदी जो होता है वो लग रहा है वहाँ पे माता जी को चढ़ा के, उसके बाद पहले तो वही सिंदूर लगता है जो जिस सिंदूर से शादी होता है सिंहोड़ा वाला ही, और बिंदी भी नहीं लगता है। बिंदी जब तक माता जी को चढ़ाएंगे नहीं तब तक दूसरा बिंदी नहीं लगेगा। तो यहाँ सिंदूर बिंदी चढ़ा के उसके बाद सिंदूर बिंदी लग गया। अब पूजा वगैरह करके सब लोग फिर जाएंगे लोग घर पे, जो हमारा गांव का घर है, फिर वहाँ जाके सभी लोग खाना पीना खा के फिर वापस यहाँ पे आ जाएंगे, जो हमारा जहाँ से शादी हुआ जो छपरा में हमारा घर है वहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे भी शाम को भी पार्टी हुआ था, और उसका भी ब्लॉग था मेरे पास, बट बोल रहे हैं ना कि मेरे मोबाइल से पूरा का पूरा मेमोरी उड़ गया, और ये भी मेरे पास नहीं था। मेरे मोबाइल में रहता तो ये भी उड़ जाता, मैं फिर मैं ये भी नहीं कर पाती, लेकिन ये मेरी ना सिस्टर के फोन में था, मैंने गई थी तो उसके फ़ोन में ये सब हुआ था। तो अच्छा सर, देखिए